हे गाइस, वेलकम टू आर ए ट्रिक चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लग रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस कुड नॉट सेंड प्रॉब्लम। गाइस, यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर व्हाट्सएप को ओपन किया हूं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे कितना भी यहां पर ट्राई करता हूं, सेंड करता हूं वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए, तो यहां पर जो है व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगता। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ पर लिखा चुका है माई स्टेटस कुड नॉट सेंड। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको 100% गारंटी के साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और गाइज अगर आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइज मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए जानकारी के साथ वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में इस तरीके से आपको आ जाना है, ठीक है। और मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन का क्लियर बटन जो होता है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लियर बटन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप को यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। इस तरीके से आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से आपको नीचे आना है। ओके गाइज, इस तरीके से आपको सबसे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। ऐप नाम से सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास किसी अदर कंपनी का फ़ोन हो, उसमें यह सेटिंग आपको कहीं दूसरा जगह पर भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है, देखना है कि आपके फ़ोन में ऐप नाम से सेटिंग कहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर यह सेटिंग नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च बॉक्स का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सर्च बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ऐप। ओके गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐप टाइप कर दिया हूँ। और जैसे ही हम ऐप टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऐप नाम से जितनी सारी सेटिंग होगी वो सभी ऑल टू ऑल सेटिंग यहाँ पर हमें दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐप नाम से सेटिंग है, वो सभी सेटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर में यानी कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐप सेटिंग पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप, ठीक है। तो अब आपको फिर से यहाँ पर मैनेज ऐप पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है व्हाट्सअप, ठीक है। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप ढूंढना है। तो देखिए आपके फ़ोन में यहाँ पर कहाँ पर व्हाट्सअप है, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप को ढूंढता हूँ, कहाँ गया व्हाट्सअप। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट्सअप मिल चुका है। तो अब आपको यहाँ पर व्हाट्सअप पर क्लिक करना है, ठीक है। व्हाट्सअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे स्टोरेज, डाटा यूजेज, बैटरी, और भी काफ़ी ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है गाइज, यहां पर आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैच, यहां पर देख सकते हैं। तो आपको इस कैच पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर 3-4 बार इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद उसके ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूजर डाटा। तो अब आपको यहाँ पर यूजर डाटा पर कम से कम यहाँ पर 4 बार क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ 1, 2, 3, 4। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 4 बार टाइप कर दिया हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर 4 बार टाइप कर दीजिए, और इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से आपको फिर से नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर से ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। देखना है कि आपके फ़ोन में यहाँ पर टिक नहीं है, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको बैक करना है, ठीक है। और बैक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लियर बटन पर क्लिक करना है, और क्लियर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग को क्लियर कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेटिंग को क्लियर कर दिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ और यहाँ पर मेरा स्टेटस भी लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ और आपके आंखों के सामने फिर से मैं यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं लगाया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटस लगा देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटस को लगा लेता हूँ और देख सकते हैं कि मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ले चुका हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ब्लर कर दिया हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ, यानी कि अभी मैं जस्ट इस स्टेटस को लगाया हूँ। बट यहाँ पर पहले जो है मेरा स्टेटस नहीं लग रहा था, यहाँ पर लिखा रहा था व्हाट्सएप स्टेटस कुड नॉट सेंड। अब यहाँ पर लग चुका है मेरा स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से अगर आपके भी व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लग रहा तो ईजी तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।